नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार आज के समय में उन विकसित राज्यों में से एक है जहां के लोग विमानों का लुफ्त उठा सकते हैं। एक समय ऐसा था जब बिहार वासियों को एयरपोर्ट से सफर करने के लिए काफी सोच विचार करना पड़ता था। हालांकि आज एक समय ऐसा है जब बिहार में कई एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है। इतना ही नहीं, अब बिहार वासियों का विमान सफर भी सुगम और आसान हो गया है। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार के विभिन्न एयरपोर्ट के बारे में। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे बोधगया एयरपोर्ट की। बिहार का सबसे पुराना और पहला एयरपोर्ट है गया एयरपोर्ट, जिसे बोधगया हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। यह बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, श्रीलंका, जापान और पूरे विश्व से बौद्ध तीर्थ यात्री यहां आते हैं। इस एयरपोर्ट को 100 करोड़ की लागत से एक्सपैंड किया जा रहा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे पटना हवाई अड्डे की। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। छोटे रनवे होने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यह भारत का 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यात्रियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे नवनिर्मित और चर्चित दरभंगा हवाई अड्डे की। दरभंगा एयरपोर्ट का स्वामित्व भारतीय वायुसेना के पास है। इस एयरपोर्ट का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह हवाई अड्डा दरभंगा के महाराजा कमेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हवाई अड्डे का अधिग्रहण भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। वहीं अब तक इस एयरपोर्ट ने कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किए हैं, जिसके तहत इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिलाने की मांग भी अब उठने लगी है। अब बात करेंगे भागलपुर हवाई अड्डे की। भागलपुर हवाई अड्डा भारत के बिहार राज्य के भागलपुर शहर में स्थित है। हवाई अड्डा समुद्र तल से 154 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भागलपुर में कलिंग एयरवेज की उस एयरलाइन की फ्रेंचाइजी झुनझुनवाला परिवार ने ली थी, वो 1969 से 1971 की अवधि के दौरान था। हालांकि यह एयरपोर्ट लंबे समय से बंद है, जिसके बाद से ही भागलपुर में विमान सेवा दोबारा से बहाल कराने की मांग उठाई जा रही है। अब बात बेटा एयरपोर्ट की। पटना से 20 किलोमीटर दूरी पर है बेटा एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स के अधीन है, जहां बड़े विमानों को उतारे जाने की योजना बनाई जा रही है। इस एयरपोर्ट को बिहार के एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में बनाने की योजना है। अक्टूबर 2016 में बिहार कैबिनेट ने बेटा में नए हवाई अड्डे के विकास को लेकर एक रूपरेखा बनाई है। बिहार सरकार बेटा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 126 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रहा है। अब हम बात करेंगे मुंगेर हवाई अड्डा की। मुंगेर हवाई अड्डा, जिसे साफियाबाद हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, यह हवाई मुंगेर के जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर सैफाबाद में स्थित है। इस हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जनवरी 2015 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हवाई अड्डे को विकसित करने और घरेलू उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी। अब बात गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट की। सबैया हवाई अड्डा बिहार के गोपालगंज जिले के कंदगोपी गांव में स्थित एक सैन्य हवाई अड्डा है। यह हथुआ से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह रक्षा के लिए बहुत संवेदनशील है, क्योंकि यह चीन सीमा के करीब है। इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश वायुसेना द्वारा किया गया था। अब बात जमुई एयरपोर्ट की। जमुई जिला बिहार झारखंड की सीमा से लगने वाला जिला है। हालांकि इस जिले में स्थित एयरपोर्ट पर विमान की उड़ान को देखने के लिए जिलावासी भी तरस गए हैं। साल 1995 वो दौर था जब इस एयरपोर्ट पर नेताओं के विमान उतारे गए थे। हालांकि तब से लेकर अब तक इस एयरपोर्ट के पुनः संचालन का सपना जमुई वासी लिए बैठे हैं। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा भारत के बिहार राज्य में है, मुजफ्फरपुर में स्थित है। इस एयरपोर्ट को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आगमन के लिए बनाया गया था। 2018 में इस हवाई अड्डे को अन्य शहरों के लिए जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और इसके लिए UDAN योजना के तहत जोड़ा गया था। इस हवाई अड्डे को फिर से स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब बात करेंगे पूर्णिया हवाई अड्डे की। पूर्णिया हवाई अड्डा बिहार के पूर्णिया में स्थित है। यह हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस हवाई अड्डे को चीन भारत युद्ध में भारतीय सेना को आपूर्ति के लिए बनाया गया था। इस हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत चुना गया है। बिहार सरकार ने इस हवाई अड्डे के लिए 50 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण किया है। इस हवाई अड्डे में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे रक्सौल एयरपोर्ट की। रक्सौल एयरपोर्ट बिहार के रक्सौल में स्थित है। इसे 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल आपातकालीन लैंडिंग के रूप में किया गया था। वर्तमान में यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत आता है। रक्सौल एयरपोर्ट को विस्तृत करने
पर विचार चल रहा है। राज्य सरकार 121 एकड़ भूमि की आवश्यकता पर मसौदा तैयार कर रही है। फिलहाल इस एयरपोर्ट से विमान सेवा बंद है। अब आखिर में बात करेंगे जोगबनी हवाई अड्डे की। जोगबनी एयरपोर्ट जोगबनी शहर में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोगबनी एयरपोर्ट पर 53 एकड़ भूमि क्षेत्र पर यह एयरपोर्ट बनाया हुआ है। यह एयरपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत आता है। इस एयरपोर्ट पर वर्तमान में परिचालन सेवाएं बंद है, जिसके बाद से लगातार जोगबनी हवाई अड्डे के परिचालन सेवा को शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।